हाँ तो प्यारे कप्तन, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया एमपीपीएससी का फाइनली सिलेबस चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान तो है लेकिन बहुत लोगों का फायदा भी है। और फायदा किन लोगों का पता है आप लोगों को? दो तरह के बालक होते हैं। देखो पहला बालक कौन? पहला बालक श्री श्री 108 परमपिता परमेश्वर, जो कम से कम 4-5-6 साल से तैयारी कर रहा है वो व्यक्ति आता है। तो वो व्यक्ति आता है यहाँ पे। और एक व्यक्ति जो है जिसने अभी रिसेंट 1-2-3 महीने में स्टार्ट की है तैयारी, आप करने वाला है, वो व्यक्ति आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो व्यक्ति अब तैयारी स्टार्ट करने वाला है उनका माइंडसेट क्या रहता है? उनको एक डर रहता है कि यार सिलेबस चेंज हो गया तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे और नया भी पढ़ेंगे। अब टेंशन ही खत्म। अब तुमने अभी 2-4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी हो या आप करने वाले हो तो तुम्हारे लिए तो फायदे का सौदा हो गया। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो सिलेबस चेंज हुआ, एकदम मस्त काम हुआ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अब 2024, ठीक है, 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है। अब आप 24, 25, 26, 27 लगभग 3-5 साल तक का एक मान के चलो कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। आयोग को ऐसा तो है नहीं कि हर साल चेंज करता है, हालांकि आयोग के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ हर साल तो चेंज करते नहीं है। तो अब आप बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप देखो, मैं एक्चुअल में तुमको पीएससी वाले का दुख बताता, तुमको ऐसा लगता ना कुछ नहीं है। देखो इधर 2019 में क्या हुआ था? सिलेबस चेंज हुआ था। अब कब हुआ है? 2024 में। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति मान लो थोड़ी देर के लिए आपका भी कोई बड़ा भाई, पिछला भाई या फिर कोई दोस्त यार 2019 से पहले से अगर तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसने एक बार सिलेबस कब पढ़ा? 2019 के पहले, फिर चेंज हो गया सिलेबस, फिर उसने दूसरी बार कब पढ़ा? 2019 के बाद, फिर अब वो तीसरी बार कब पढ़ेगा? ये तो ये व्यक्ति का दुख देखो तुम एक्चुअल में, जो पता नहीं आयोग को क्यों नहीं दिखता है सिलेबस चेंज हो गया। हालांकि ठीक है सिलेबस चेंज होना था वो तो तय है, लेकिन एक्चुअल में देखो दुख कितना है उस व्यक्ति का। अब वापस से वो नया सिलेबस पड़ेगा। तो ये सिलेबस जो चेंज हुआ ना वो फायदे का सौदा है, लेकिन किन लोगों के लिए? जिनने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए, या आप करने वाले, उनके लिए तो बिल्कुल एकदम एंटी की व्यवस्था। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी टाइम से कर रहा है उसके लिए तो मतलब ये मान के चलो कि उसके ऊपर तो वो व्यक्ति अभी मानसिक तनाव में ही चल रहा होगा, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो ये एक्चुअल में दुख है, दुख जो पता नहीं आयोग को दिखता नहीं। आयोग का जरूरी नहीं कि सिलेबस का मैटर हो, सिलेबस से मतलब नहीं, आंसर की आए या कुछ भी आए तो ऐसे कर्मकांड होते ही हैं जिसमें बच्चों के जीवन दाव पे लग जाते हैं। और यहाँ पे वास्तविकता में लगे हैं कितने लोगों के जीवन दाव पे। अब इसके बाद बहुत लोगों की हिम्मत ही नहीं बनेगी कि मैं तैयारी करूँ भी कि नहीं करूँ, क्योंकि कब तक आदमी ने यहाँ पढ़ा सिलेबस, यहाँ पढ़ा, वापस से सिलेबस पढ़े, और हो सकता है कि उसको टाइम लग जाए, फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर बचे ही क्या जीवन में, बुढ़ापा आ गया इतने में। तो ठीक है, ये एक्चुअल में दिक्कत होती है। तो हाँ, जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करें उनके लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपको कोचिंग की, तो कोचिंग का देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एनजीओ जो मैंने बताया उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बेस्ट है, मेरी तरफ से वो सजेशन है। बाकी अभी हाँ, अभी की कंडीशन में बता रहा हूँ, अभी की कंडीशन में किसी भी कोचिंग के पास ऐसा है नहीं कि आप जाओगे और जाकर फट से नोट्स दे दिए आपको, जाओ ये पढ़ लो बन गए डिप्टी कलेक्टर। सिलेबस चेंज हुआ, अब हर कोचिंग को लगभग 3-4-5 महीने तो लगेंगे वो सारा सेटअप करने में। ठीक है, आगे बात समझे, लेकिन मैं एनजीओ क्यों बता रहा हूँ? एनजीओ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से, तो मैंने इसलिए आपको सजेशन दिया है। बाकी एक बार विजिट कर लो, समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसमें देख लेना आप। बाकी हाँ, ये चीज़ आप समझो कि ये एक्चुअल में दुख है पीएससी वाले का। हाँ, लेकिन सिलेबस जो चेंज हुआ ना उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो। अब आपके पास गिनती के 4-5 साल है, हो सकता है 4-5 साल बाद वापस सिलेबस चेंज हो, क्योंकि एक पैटर्न ही चलता है 4-5 साल में चेंज हो जाता है। तो 4-5 साल तक का समय है, अगर हो जाए सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत नहीं है, जीवन ही बर्बाद होना है, क्योंकि फिर आप इस साइकिल में फंस जाओगे, और इस साइकिल में फंस गए ना तो फिर मानसिक तनाव के अलावा कुछ होना जाना है ही नहीं। ठीक है, तो एक सुनहरा अवसर है, जो लोग नए हैं उनको तो खुशी मनानी चाहिए, और जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो मेरे को भी दुख हो रहा है, ये वास्तविकता है, उनके लिए तो मेरे को भी दुख हो रहा है। बट दुख होने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो आयोग है वो एक अलग ही आयोग है, उनके जब डिसीजन आते हैं तो बच्चों के जीवन दाव पर लग ही जाते हैं, पता नहीं क्यों वो डिसीजन ही ऐसे आते हैं, क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन हाँ, ये वास्तविकता है। अब आप डिसाइड करो कि आप इस कैटेगरी में आते हो कि इस कैटेगरी में आते हो, इस कैटेगरी में आते हो तो इसका तो कोई उपाय है नहीं अभी। हाँ, ये है कि आपने इतना पढ़ रखा है तो सिलेबस अब पूरा तो चेंज हुआ नहीं, मतलब इधर उधर होता है, तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी हाँ, जो नया बच्चा उसके लिए तो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए आपको। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीवन में चल रहा है जो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना झेल लिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।